हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुमा किचन फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे टी टाइम फ्रूट केक। चाय के साथ खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसके लिए सबसे पहले केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे और उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। जब हम केक निकालेंगे तो वो ईजिली बाहर आ जाएगा। अब एक भगोने या पतीले में नीचे की तरफ नमक डालेंगे और बीच में एक स्टैंड रख देंगे। आप यहाँ एक कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको ड्राई मिक्स करेंगे। इसको एक तरफ रख देंगे। अब एक दूसरे मिक्सिंग बोल में 1/2 कप पिसी हुई चीनी लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बटर। ये दोनों ही चीज़ें हमने रूम टेम्परेचर पे ली हैं। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ी सी लाइट नहीं हो जाती है। आप देख सकते हैं कलर भी इसका चेंज हो गया है और ये थोड़ी लाइट भी हो गई है। इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब इसमें एक एक करके हम 3 अंडे डालेंगे। 3 अंडों को हमें एक साथ नहीं मिक्स करना है, एक एक करके ही डालना है और इसको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि एक दूसरे के अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती हैं। एज वी नो, जैसे कि हम फैट के अंदर जब हम कोई भी चीज़ हम मिक्स करते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट होने में टाइम लगता है, तो इसी तरह से इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और यहाँ एक लेमन लिया है मैंने, जिसके ऊपर की जो स्किन है उसको हम ग्रेट करके इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास लेमन फ्लेवर है तो उसकी भी आप 5 ड्रॉप्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें ये ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैदा वाले मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स हम इसमें इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि इसमें ईजिली मिक्स हो जाएगा और लम्स भी नहीं फॉर्म होंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अभी ये बैटर थोड़ा थिक है तो हम इसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करने से ये ईजिली मिक्स हो जाता है। और अब इसको किसी भी स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। अब इसको यहाँ ओवर मिक्स नहीं करना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून किशमिश और 1.5 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी हम सारी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी सी हमने बचा ली जिसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को बेकिंग टिन के अंदर डालेंगे, लेकिन यहाँ भी हम इसको एक साथ नहीं डालेंगे। पहले हम इसमें आधा बैटर डालेंगे और बेकिंग टिन को हम टैप करेंगे और बाकी बचे हुए बैटर को अब डालेंगे और दोबारा से इसको टैप कर लेते हैं और अब स्पैचुला से इसके सरफेस को स्मूथ कर लेंगे। अब इसके ऊपर बची हुई टूटी फ्रूटी डालेंगे। आइए अब इसको बेक होने के लिए रखते हैं। भगोना पहले से ही काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको ध्यान से इसके अंदर रखेंगे और इसको लिड से बंद करके इसके ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। पहले 20 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे और फिर 20 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं, आइए इसको चेक करते हैं। अगर ये क्लियर है तो केक रेडी हो चुका है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको केक अभी थोड़ी देर और रखना है। आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। अब इसकी साइड्स को नाइफ की हेल्प से अलग कर लेंगे। अब एक प्लेट ऊपर रखकर इसको फ्लिप कर देंगे और ये आपने देखा कितनी इजीली ये बाहर आ गया। अब इसके ऊपर जो हमने पेपर लगाया था उसको निकाल देंगे और अब इसको नाइफ से कट करेंगे। पीसेज आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अब मेरे कट करने से पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं अभी आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। देखिए आप इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अगर आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए कितना सॉफ्ट है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।